नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में टॉप लेवल के आई हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल आंखों की समस्या लगभग हर उम्र में होने लगी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप किसी को भी देख सकते हैं कि आंखों में चश्मा आ रहा है। इसके रीजन हमने कई वीडियो में भी आपको बताए हैं कि जब से मोबाइल का चलन जितना ज़्यादा बढ़ा है उतनी ज़्यादा आँख की समस्या हुई है, क्योंकि मोबाइल आए हैं तो नए नए ऐप्स आने लग गए हैं जिसमें गेमिंग प्रोग्राम रहते हैं, बच्चे दिन भर गेम खेलते रहते हैं और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आँख खराब होने की समस्या ज़्यादा होती है और मोटे मोटे चश्मे लगते हैं कि अगर आँख खराब हो जाए, विजन प्रॉब्लम आ जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो कौन सा आई हॉस्पिटल हमारे लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अरविंद आई हॉस्पिटल जो मदुरई में है, ये बहुत ही पुरानी आई हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना आई ऑपरेशन करवाया है जिसमें बहुत सारी सर्विस आपको मिलती है। इस हॉस्पिटल का एड्रेस है फ्रेंड अन्ना नगर मदुरई, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आता है शंकर नेत्रालय, ये भी बहुत ही पुरानी संस्था है। यहाँ पर आई सर्जनों की भरमार है, यानी कि अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ से ठीक हुए हैं। अगर आप भी किसी टाइप की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो शंकर नेत्रालय बहुत ही अच्छा संस्थान है। फ्रेंड्स आपकी जानकारी में बता देता हूँ कि शंकर नेत्रालय एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर 1000 एम्प्लॉय है और लगभग 1200 पेशेंट पर डे आते हैं। थर्ड नंबर पर है एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल जो हैदराबाद सिटी में। इस हॉस्पिटल में फ्रेंड आई से रिलेटेड सभी टाइप की बीमारी को इलाज की जाती है। अगर आप लेजिक सर्जरी भी करवाना चाहते हैं यहाँ पे हो जाएगी, कैटरेक है, कार्निया है और भी जितनी प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छा आई हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेहतरीन है। सेकंड नंबर में आता है आई सेवन हॉस्पिटल के बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे, जिसमें राहिल चौधरी अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उनके यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई, नेता पॉलिटिशियन भी हो गए, ऐसे लोगों को भी वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। ये हॉस्पिटल एक प्रकार का कंप्लीट आई हेल्थ केयर है जो एकदम लेटेस्ट मशीनों द्वारा आई का इलाज करते हैं। और सबसे टॉप में आता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली, ये अंसारी नगर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों आप जैसे कि सभी जानते होंगे कि एम्स में बहुत ही उन्नत किस्म की इलाज होती है और वो भी कम पैसे में। अगर आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है तो आप यहाँ पर इलाज बड़ी कम पैसे में करवा सकते हैं। वैसे एम्स में ये जो हॉस्पिटल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप भी आँखों में कोई समस्या लेकर परेशान है तो ऐसे टॉप 5 हॉस्पिटल पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यही तक दोस्तों। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी लोग आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं और एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं उनको इनके बारे में जानकारी मिल सके।